हम देख रहे थे HDI, तो कल मैंने आपको उसके 3 मेजर्स जो थे SDI को कैलकुलेट करने के जो डिमिनेशंस थे एटलीस्ट वो एक्सप्लेन किए। अब आता है कि HDI की जो कैटेगरी है एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग HDI ने को कैलकुलेट करने के लिए उनकी कैटेगरी का बेस्ड क्या है कि रियल में किस कंट्री को मीडियम में रखा जाएगा, किसको लो में रखा जाएगा, किसको डेवलप्ड, किसको डेवलपिंग, किसको अंडर डेवलप रखा जाएगा। तो ये बेस्ट जो है वो 2019 के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग का है। सबसे पहले वेरी हाई, वेरी हाई जो होगा 1 से ग्रेटर एंड लास्ट जो है 0.800। तो जिस कंट्री की ग्रोथ रेट 1 से लेकर के 0.08 तक है, इट मींस इट इज डेवलप्ड कंट्री, हाई है, वहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो लेवल है इट इज वेरी हाई। 1 से लेकर के कहां तक का है ये 0.088 तक का जो लेवल है एटलीस्ट वो कंट्री कहलाएगी वेरी हाई। देन नेक्स्ट कैटेगरी जो होती है वो लास्ट 799 से लेकर के अगर 700 तक किसी कंट्री का है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं उन 3 डिमेंशंस के व्याप पे, तो अगर ये 7 से लेकर के 799 तक आता है देन इट इज मीडियम। तो उस कंट्री को हम मीडियम कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे कि ये जो कंट्री है वो मीडियम ग्रोथ रेट को रखती है और इसका HDI मीडियम है। एंड लास्ट जो आती है वो आता है आपका 699 से लेकर के 500 तक, एंड उसको हम मानेंगे कि ये कंट्री जो है वो बहुत ही, यहाँ पर जो होगा वो बहुत ही लो कैटेगरी का यहाँ पर माना जाएगा। तो 3 बेस्ट जो है वो बता दिए गए, पहला है आपका हाई, सेकंड है आपका मीडियम जो यहाँ से यहाँ तक का था, एंड थर्ड है आपका लो। तो जब HDI को कैलकुलेट किया जाता है जिस कंट्री का HDI तीनों एस्पेक्ट के भी आप पे लाइफ एक्सेप्टेंसी, आपका एजुकेशनल और आपका इनकम, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर करके जब उनका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो उसकी जो कैलकुलेशन आती है उसके अकॉर्डिंग HDI को कैलकुलेट किया जाता है। देन आउट ऑफ 189 कंट्री इंडिया वेंट डाउन 1 रैंक 131। इससे पहले इंडिया की जो रैंकिंग थी इट इज 130, उससे पहले जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 129। इट मींस इंडिया हर साल एक पायदान नीचे गिरता जा रहा है। तो 189 में से हमारी जो रैंकिंग है रिसेंट टाइम में इट इज 131 की जो है हमारी वो रैंकिंग चल रही है, हम 131वें स्थान पर आते हैं। इंडिया का जो HDI कैलकुलेट किया गया था 2019 में तो उसकी जो वैल्यू निकल करके आई थी इट इज 0.645। तो 0.645 जो होता है वो हमारा आता है इसमें पुटिंग द मीडियम HDI, इसको मीडियम में रखा गया है 6.4 को जो है कंट्री पुटिंग इनटू द मीडियम HDI कैटेगरी, इसकी जो कैटेगरी है वो मीडियम कैटेगरी की रखी गई है। हमारी जो रेट है वो 0.645 के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से 55 से लेकर के 699 तक जो थी वो लो वाली आती है, तो वैसे हमारी कैटेगरी लो में ही आनी चाहिए क्योंकि हम इसके आसपास ही आ रहे हैं, तो फिर भी मीडियम रखा गया है तो ये थोड़ा सा रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पर आप लो लिख सकते हो। अब ये HDI कैलकुलेट करने का तरीका था और इस बेस पे HDI को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको क्रिटिसाइज किया गया है, HDI को किस बेस पे क्रिटिसाइज किया गया है। इतना सारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ऐड करता है, ह्यूमन की क्वालिटीज को शो कर रहा है, उसके बाद भी कुछ इकोनॉमिस्ट इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इसकी जो फर्स्ट क्रिटिसाइज है वो है लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि इसने जो इस कैलकुलेशन में इसने ऐड किया गया है वो बहुत ही कम एस्पेक्ट को लेकर के इसकी कैलकुलेशन की गई है। तो लैक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन बींग्स का इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर केवल मात्रा आप डेटा लेते हो और डेटा के बिहाफ पे आप शो कर देते हो कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग एस्पेक्ट जो है वो लगता है जब हम HDI की कैलकुलेशन करते हैं। तो उसके बाद सेकेंड है फोकसिंग ऑन एक्सक्लूसिव ऑफ द नेशनल परफॉर्मेंस एंड द रैंकिंग। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो ज़्यादा फोकस दिया गया है वो दिया गया है कि वो पर्टिकुलर जो कंट्री है
जो नेशंस है एटलीस्ट उसकी परफॉर्मेंस किस स्टाइल की है, उसकी परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है और उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ही, परफॉर्मेंस के बिहाफ पर ही जो है फिर रैंकिंग को कैलकुलेट किया जाता है और रैंकिंग के बिहाफ पर ही पता लगाया जाता है कि ये कंट्री की ह्यूमन जो है वो क्वालिटी क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसा होगा। तो पहला ह्यूमन सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन बहुत लोअर है, दूसरा ज्यादा जो फोकस दिया गया है वो कंट्री की परफॉर्मेंस और उसके रैंकिंग सिस्टम पर ही दिया गया है कि जिसका जितना ज्यादा रैंक आ रहा हो एटलीस्ट रैंकिंग देख लेते हैं भाई इसका इतना इसका इतना, जो आपका होता है जैसे 645 को लेकर के इंडिया की जो रैंकिंग है वो 131 पर है, तो यहाँ इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही फिर आगे जो है वो सॉल्व किया जाता है, निकाला जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ अटेंशन ऑन द डेवलपमेंट फ्रॉम अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव्स। इसमें ये ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव्स को देखते हुए कि आप पूरा इंटरनेशनल लेवल पर आपकी ग्रोथ के क्या वो मायने रख रहे हैं, आपकी स्टाइल से जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपका ग्लोबल एस्पेक्ट को देख करके आपका डेवलपमेंट इवेल्युएट नहीं किया जाता है, केवल मात्र जो वो तीन एस्पेक्ट है उन्हीं के बिहाफ पे आपको डाल लिया जाता है कि आपकी यहाँ ग्रोथ रेट कितनी है। उसके बाद है मेजरमेंट जो है एरर आ जाती है, जब कभी भी हम उनको इवेल्युएट कर रहे हैं आपके LEI को, एक तो LEI कैलकुलेट करना था, एक आपका एजुकेशनल इंडेक्स करना होता है, एक आपका जो है वो GNP ये GNI या पर कैपिटा इनकम इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर है कि मेजरमेंट एरर ऑफ द अंडरलाइंग स्टेटिक्स, जब हम इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं इन तीनों इंडेक्स को, तो कहीं ना कहीं हमारी जो है थोड़ी सी एरर क्रिएट हो जाती है इन स्टैटिक्स को निकालने में। अगर इन स्टैटिक्स को निकालने में हमारे से एरर हो गई तो हमारा HDI रॉन्ग आएगा और जब HDI रॉन्ग आएगा तो कंट्री की रैंकिंग भी रॉन्ग आएगी। उसके बाद है UNDP चेंज द फॉर्मूला विच कैन लीड द सेवर्स मिसक्लासिफिकेशंस। UNDP फॉर्मूले को चेंज करता रहता है, टाइम टू टाइम इसके फॉर्मूले में चेंजेस आते हैं, तो इतना ज्यादा जो चेंजेस UNDP करता है तो उससे भी एरर क्रिएट होती है और बहुत ज्यादा मिसक्लासिफिकेशन हो जाता है। जब फॉर्मूले को ही चेंज कर दिया तो फॉर्मूले को चेंज करते समय जब हम निकालते हैं तो फिर क्या होगा, जो कैटेगरीज हमने दी है ये लो हाई और मिड, ये लो हाई और मिड की जो कैटेगरी है यही थोड़ा सा रॉन्ग आने लग जाती है। तो नेक्स्ट जो क्रिटिसाइज किया गया वो इस बिहाफ पे किया गया है कि UNDP चेंज द फॉर्मूला विच कैन लीड टू सेवर्स मिसक्लासिफिकेशंस इन द कैटेगरी कैटेगराइजेशंस। जो भी कैटेगरी हमने दी है जब हमारा वो ही गलत है, फॉर्मूला ही गलत है, पुटअप ही गलत किया है, तो फिर इसका जो आएगा वो भी रॉन्ग आएगा। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ डेटा एरर्स, अगर हमने डेटा का कलेक्शन इजी नहीं किया है, सही तरीके से नहीं किया, अच्छे से नहीं किया है, बिल्कुल जो भी है अपडेट आपके पास डेटा नहीं है और उसके बाद आप HDI को कैलकुलेट करते हो तो फिर आपके सोर्सेज की एरर की वजह से, जैसे ह्यूमन आपका जो है हेल्थ का है, एजुकेशन का है और इनकम का है, अगर इनके डेटा ही हमने रॉन्ग कलेक्ट किए हैं हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के और इनकम को लेकर के, अगर हमने डेटा गलत कलेक्ट किए हैं तो ये इंडेक्स भी हमारे गलत ही निकल करके आएंगे। उसके बाद है HDI कैलकुलेशन कंसिडर्स ओनली फ्यू फैक्टर्स, इसने ओनली कुछ फैक्टर्स को ही लिए हैं, जैसे हमने देखा कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लिया है, आपकी एजुकेशन को लिया, पर कैपिटा इनकम को लिया, जबकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं उन एस्पेक्ट के बिहाफ पर हम HDI को कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन नहीं किया। कंट्री के डेवलपमेंट को लेने के लिए इन तीन या चार को लिया गया है जो भी रॉन्ग है। तो HDI की कैटेगरी के बारे में और HDI को इस स्टाइल से क्रिटिसाइज किया गया है कि इतना इम्पोर्टेंट टूल्स होते हुए भी डेवलपमेंट को, ह्यूमन के डेवलपमेंट को इवेल्युएट करने के लिए इतना इम्पोर्टेंट और पावरफुल टूल्स है लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कहीं कुछ कमियां रह गई है, तो ये उसके क्रिटिसाइज के पॉइंट्स हैं।